Cognition is just the interpretation of the things which you perceived. Okay. That is the cognition. First you perceive the things, then interpret them, and then present a thing in a presentable way किसी भी चीज के बारे में. That is the cognition. हमारे माइंड में बिल्कुल इसी तरह से चीजें चल रही होती हैं. अब पियाजे एक स्विट्जरलैंड का साइंटिस्ट था जिसने अपने चिल्ड्रन पे स्टडी की थी कि उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किस तरह से होती है. हम और तरह से सोचते हैं, बच्चे और तरह से सोचते हैं. अब इस स्टडी में ये बताया गया था कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं और आहिस्ता आहिस्ता किस तरह मैच्योर होते हैं. ठीक, एक है कॉग्निशन जिसमें सिर्फ एक प्रेजेंटेबल वे में एक कोई चीज की क्या प्रेजेंटेशन है आपके माइंड में, म्यूजिक की क्या प्रेजेंटेशन है, डांस होगा और इस तरह होगा, वायलेंस होंगे, गिटार्स होंगे, दैट इज द जो आपके जहन में म्यूजिक का वर्ड सुनते ही आता है. ये चीज आपने कहाँ से सीखी, आपने शुरू से देखा, फिर आपको एनवायरमेंट से जो जो क्लूज मिलते गए आप उसको एड ऑन करते गए. अच्छा, म्यूजिक में गिटार भी एड होता है, म्यूजिक में वायलिन भी एड होता है, म्यूजिक में पियानो भी एड होता है, ठीक है, म्यूजिक के साथ डांस भी ऐड होता है. ये सारी चीजें अब बारी बारी आपके पास आती है एनवायरनमेंट से, वो ऐड ऑन होते गए. देन इन द एंड एक प्रेजेंटेबल वे में आप कहीं भी देख के बता सकते हैं, जी यहाँ पे ये एक म्यूजिक पार्टी चल रही है, ये कोई भी पार्टी चल रही है, इस तरह. तब जब ये सारा प्रोसेस चलता रहता है तब ये एक मेच्योर कॉग्निशन हो जाती है. जब आप एक चीज का पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाते हैं और आप उसको अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन में मोल्ड करके यूज कर देते हैं. ठीक है, अभी तक बात समझ में आई है? यहां तक बात क्लियर हुई है मैच्योर कॉग्निशन एंड कॉग्निशन की? ठीक है, अब बच्चे किस तरह से सीखते हैं, अब हमने इन्फेंसी से स्टार्ट करते हैं. चार स्टेजेस बताई थी इन्होंने, ठीक है, इस साइंटिस्ट ने. पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, ये है फ्रॉम स्टार्ट बर्थ से 2 इयर्स तक. देन है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये है 2 इयर्स से 7 ईयर्स ओल्ड. देन है कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर्स ओल्ड. एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल एडोलेसेंस एडल्टहुड स्टेज, ठीक है, ये अप टू 12 इयर्स अप टू एडोलेसेंस आपके होते हैं. अब चलता किस तरह है इस थेरी में, 4, 5, 6, हर थेरी के कुछ माइलस्टोन्स हैं, कुछ लैंडमार्क्स हैं, कुछ चेक मार्क्स हैं. अगर वो चीजें एक बच्चे की कॉग्निशन में आ जाती हैं, वो उन चीजों को समझना शुरू हो. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, करें कर दें. यहाँ से करते हैं. ठीक है, नेट मैंने नहीं आ रहा, मैंने तो इसी से भी कनेक्ट किया. देख, अब स्क्रीन शेयर हो रही है. नहीं, अभी भी नहीं हो रही. मैंने कहा था वही बैठ जाए वहां पर, सिग्नल चेंज आ गया तो इससे कनेक्ट कर दे मुझे. मैं इसीलिए सारा डिवाइस लेके आई थी क्योंकि लास्ट टाइम सारा आधा टाइम वेस्ट. कॉग्निशन की पहले हो रही थी, बाद में खत्म हुई है. फिर जगह चेंज कर लूं, फिर यहाँ वाले नेट से कर दें, इससे मैं उतार देती हूँ. चले इसे डिस्कनेक्ट कर लेते. एक मिनट, ये बैक पे कैसे जाएगा? Thank you.
उधर फैन नहीं था। ये शेयर करके देखेंगे उनको। इसको उठा के बॉक्स को साइड पे कर देना। आप जरा जाएं, आप स्लाइड लेके जाएं। था तो डिवाइस भी चल रही थी, कनेक्ट हुआ है तो वो खुला है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। जी अरे बस ठीक है, कंटिन्यू करो। अब हो रही है शो स्लाइड नंबर 7। ओके अब कौन सी स्लाइड नंबर शो हो रही है आप लोगों को? ओके अब क्लियर है। हाँ जी
ओके हमने बात की थी कॉग्निशन की कि हम चीजों को परसीव करते हैं इंटरप्रेट करते हैं अपने माइंड में एंड देन प्रेजेंट करते हैं इस चीज को हम कॉग्निशन कहते हैं और ये टाइम के साथ साथ एज के साथ साथ ये मैच्योर होती है मैच्योर होने का डिपेंड करता है आपको एनवायरनमेंट से क्या क्लूज मिलते हैं आप एनवायरनमेंट से जो चीजें नजर आती हैं आप उनको किस तरह से परसीव करके अपने माइंड में जो स्टोर करते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं आगे हम इसके एग्जाम्पल्स लेंगे हर स्टेज के साथ साथ देखेंगे कि बच्चे किस तरह से चीजों को परसीव करते हैं उनके बारे में आइडिया लेते हैं उसको कहते हैं हम स्कीमा जो अपने में दिमाग में एक इमेज बनाते हैं एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं किसी चीज की दैट इज कॉल्ड स्कीमा स्कीमा इज सिंपली अ थिंग विद अ प्रेजेंटेशन ठीक है तो अब हम यहाँ पे आ गए थे कि पिया जी ने ये बात की थी अब उसने अपने बच्चों पर स्टडी की थी उसके मुताबिक दी थी अब ये जो चार स्टेजेस दी हैं सेंसरी मोटर है बर्थ से 2 years प्री ऑपरेशनल 2 to 7 years देन कंक्रीट ऑपरेशनल अब आगे जाके हम इसमें डिटेल से देखते हैं कि हर किसी स्टेज के नाम में ही उसकी बात पता चल जाती है द वेरी फर्स्ट स्टेज द सेंसरी मोटर स्टेज अच्छा अब इन सारी जो इस पूरी एक थ्योरी का एक ओवरव्यू है वो इस तरह से है कि बच्चे अपने दिमाग में जो चीजें बना रहे हैं उनमें किस तरह से वो मैच्योर हो रहे हैं सबसे पहले वो टेस्टिंग और सबसे पहले वो एक नॉलेज एक्वायर करते हैं अपने एनवायरनमेंट से जब बच्चा बिल्कुल पैदा होता है दुनिया में आता है वो सबसे पहले चीज देखता है सबसे पहले अपनी मदर को देखता है या उसकी आंखों के सामने जो भी चीज आती है ठीक है दैट इज फिर अब वो वक्त के साथ साथ उस चीज को टेस्ट करके देखता है कि उसके दिमाग में जो इसका इमेज बना है उसका यूज बना है आइदर उसका वो ही यूज है उसको टेस्ट करता है बार बार टेस्ट करता है रीटेस्ट करता है तब इन द एंड एक फाइनल उस डिसीजन पे पहुंचता है कि अच्छा जिस तरह फॉर एग्जांपल एक पेंसिल देखी है बच्चे ने ठीक है वो बार बार उसको ट्राई करके देखेगा अच्छा बाकी लोग इससे लिखते हैं इससे लिखा जाता है ठीक हो गया उसका एक स्कीमा उसके माइंड में बन जाएगा कि पेंसिल्स के साथ लिखते हैं वो हर एक एलोंगेटेड चीज के साथ लिखने की ट्राई करेगा क्योंकि उसके माइंड में एक स्कीमा बन रहा है कि एक जो लंबी लंबी चीजें होती हैं वो पेंसिल के तौर पे होती हैं और उससे लिखा जाता है या उससे कोई भी है उससे कुछ ना कुछ होता है ठीक है फिर वो इस चीज को टेस्ट करते रहेंगे आगे वेरीफाई करते रहेंगे और उसका ये साथ साथ टाइम के साथ साथ मोल्ड होता जाएगा कि पेन के साथ मिलती जुलती चीजें कुछ पेन भी होते हैं कुछ हाईलाइटर्स होते हैं कुछ मार्कर्स होते हैं वो इस चीज को टेस्ट के साथ साथ फिर वेरीफाई करता जाएगा देन फाइनली वो एक चीज पर पहुंचेगा जो भी एक ऐसा टूल होगा कोई भी उसके साथ लिखा जा सकता है कोई भी ऐसा टूल जिसके साथ लिखा जा सके उसको पेन के उसको हम पेन कह सकते हैं ठीक है ये उसका फाइनल होगा ये इसको कहेंगे फिर हम मैच्योर कॉग्निशन यहाँ तक बात समझ आई कि इस पूरी थ्योरी में किस तरह से चल रहे हैं ठीक है ओके ये वही बात है जो इसका टास्क है सेकंड ईयर आप लोगों को आवाज आ रही है स्क्रीन शेयर हो रही है रिपीट कर दें लास्ट ओके हमने ये कहा है कि कॉग्निशन की डेवलपमेंट इस इन सारी स्टेप से होके गुजरती है कॉग्निशन की डेवलपमेंट होगी एनवायरनमेंट से क्लू मिलेगा या एनवायरनमेंट से नॉलेज मिलेगा ठीक है फॉर एग्जांपल अब एक बच्चे ने एक पेंसिल देखी है किसी को लिखते हुए उसने देखा है ठीक है एक पेंसिल के साथ अब उसके लिए वो पेंसिल उसने देखी अच्छा एक इलोंगेटेड सी चीज है जिसकी पॉइंटेड नेब है उसके साथ पेपर पे कुछ ना कुछ लकीरें लगाओ तो कुछ ना कुछ होता है जिस तरह बच्चे ट्राई करते हैं ठीक है जब वो थोड़ा सा बड़ा होता जाता है वो हर जगह उस पेंसिल को लिख लिख के ट्राई करता है कभी दीवारों पे कभी कहीं अपना उसका स्कीमा मॉडिफाई होता है अच्छा ये पेपर के अलावा दीवारों पे भी लिख लेता है यहाँ से उसका स्कीमा मॉडिफाई हुआ जो उसने फर्स्ट टाइम देखा था कि पेपर पे लिखा जाता है इससे ठीक है वो अब मॉडिफाई हो गया नहीं इससे तो दीवार पे भी लिखा जा सकता है इससे तो किसी और कॉपी पे भी लिखा जा सकता है इससे तो किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट पे लिखा जा सकता है ये उसका साथ साथ एड ऑन होता गया जैसे जैसे वो अपने उस पेंसिल के यूज को ट्राई करता गया ठीक है टेस्टिंग ये सारी चलती रही ये उसकी 2 to 7 years में चलती जाएगी जब वो अपने इस पेंसिल के स्कीमा को टेस्ट कर रहा है इन एंड जब वो अप टू सेवन ईयर्स तक होगा तब तक उसको वेरीफाई हो जाएगा कि अच्छा पेंसिल से रिलेटेड भी कुछ चीजें हैं जो लिखती हैं
ठीक है, अब उसके स्कीमा में ये चीज ऐड हो जाएगी कि सिर्फ पेंसिल ही नहीं लिखती, पेन से भी लिखा जाता है, मार्कर से भी लिखा जाता है, हाइलाइटर से भी लिखा जाता है, इन सब की शेप थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, इन सब के कलर्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, इन सब की पॉइंटेड निब थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। वो इन चीजों को बार बार यूज करके उनको वेरीफाई करता है, फिर इन द एंड एक फाइनल वो इस डिसीजन पे पहुंचता है कि जी अच्छा, जिस चीज से लिखा जा सके, जिस टूल से, हम उसको पेन कह सकते हैं। और ये पेन सिर्फ लिखने के अलावा और बहुत सारे काम में यूज हो सकता है। कभी आप पेन को अपनी बुक में फंसा लेते हैं एज ए बुक मार्क, कभी किसी और चीज पे रख देते हैं, मतलब उसके अदर देन लिखने के भी बहुत सारे पेन के यूज हैं। कभी कुछ मिक्स करने के लिए यूज, कुछ नहीं मिला आपने पेंसिल उठा के चाहे मिक्स कर सकते हैं आप, ठीक है। ये फाइनल स्टेज है, जब इतने सारे यूजेस पेन के समझ में आने लग जाते हैं, देन इट इज द मैच्योर कॉग्निशन, तब एक फाइनल चीज पे पहुंचे। अब समझ आ गई है? अब क्लियर हुई है बात? ओके, अब हम ये बात करें, डेवलपमेंट ऑफ एन एडल्ट कॉग्निशन इज बेस्ड ऑन द ट्रू कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट विद लॉजिकल रीजनिंग एंड अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब ट्रू कॉन्सेप्ट क्या था, उसका कॉन्सेप्ट पेंसिल के बारे में क्या था, लिखने की चीज है, सिर्फ पेपर पे लिखा जा सकता है, ये चीज एनवायरनमेंट से मिली, ठीक है। जैसे जैसे उसकी टेस्टिंग की, उसको वेरीफाई किया, उसमें क्या चीज ऐड ऑन होती गई, लॉजिकल रीजनिंग, एक लॉजिक बनती गई हर चीज की कि अच्छा हाँ, लिखना है ना तो कोई भी पॉइंटेड हो, इंक वाली हो, उससे लिखा जा सकता है, ठीक है। ये लॉजिकल रीजनिंग ऐड होती गई। इन द एंड क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तब कहते हैं जब आपको एक ही चीज जो आपकी पेंसिल है या कोई भी चीज है, उसका सिर्फ एक ही यूज नहीं है कि उससे लिखा जा सकता है, आप उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने यूज के लिए मॉडिफाई कर देते हो, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप उसी पेंसिल के साथ चाय मिक्स करके पी सकते हैं, ठीक है, उसी पेंसिल को बुक मार्क के तौर पर बुक में रख के यूज कर सकते हैं, ठीक। या कहीं भी आपको कोई एलोंगेटेड चीज चाहिए जो यूज करनी है, जिस तरह हम कभी उस पर धागा बांध के कहीं और पहुंचा सकते हैं, ठीक है, उसको लटका देते हैं, एज अ टॉय बना देते हैं पेट्स के लिए, छोटी सी पेंसिल एक धागे के साथ लटका दे, वो खेलते रहेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जब आप एक चीज के बहुत डिफरेंट यूजेस निकाल लेते हो, ठीक है, दैट इज मैच्योर कॉग्निशन। ओके, सबसे पहले जो हमारी ये सेंसरी मोटर स्टेज है, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज इज From birth to 2 years, ठीक है। अब इसके नाम से पता चल रहा है senses आ रहे हैं। जब 2 years का बच्चा है तो उसके पास सिर्फ senses हैं और उसके पास कोई skill नहीं है, अभी उसकी motor development नहीं हुई भी, लेकिन उसके senses fully develop है, मतलब वो सुन सकता है, वो देख सकता है, ठीक है, वो heart को touch करके चीजों को देख सकता है जो बच्चे। अब 2 years तक जब बर्थ में बच्चा बिल्कुल पैदा होता है, वो चीजें देखता है। अब उस वक्त उसकी सेंसेस सबसे ज्यादा जो काम कर रही होती हैं, वही जो चीज देखेगा या जिस चीज को वो टच कर जाएगा या जिस चीज की आवाज आएगी, बच्चे उसी चीज को रिस्पॉन्ड करेंगे। उनके मोटर फंक्शंस अभी इसी तरह डेवलप हो रहे हैं। तो बच्चे स्टक होते हैं हेयर एंड नाउ पे। हेयर एंड नाउ का मतलब है जो चीज उनकी आंखों के सामने है वो है इस दुनिया में, जो चीज आंखों के सामने नहीं है वो खत्म हो गई, ठीक। क्यों? वो स्टिमुलस उनको मिला है देख के या सुन के, जिस तरह बच्चों के लिए बहुत छोटे बच्चों के टॉयज किस तरह के होते हैं, वो बीप बीप वाले, ठीक है, म्यूजिक वाले, जिसमें से आवाजें आ रही होती हैं, ठीक है। ज्यादातर क्या होते हैं, रटल्स होते हैं। क्यों? रटल्स आवाज करते हैं, ठीक है, बच्चे उस आवाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर वो छोटे छोटे से होते हैं, वो उनको हाथ भी लगा सकते हैं, हाथ लगा के वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। बच्चे के लिए सिर्फ जब तक वो उनके सामने हैं तब तक उनके नजदीक प्रेजेंट हैं चीजें। जैसे ही आप उनकी आंखों के आप इसे गायब कर ले हुए, वो उसको देख नहीं सकते, तो उनके लिए वो खत्म हो गया, ठीक है। ये इस स्टेज का एक मार्क है, ठीक है, जिसमें हेयर एंड नाउ आता है। जब ये हेयर एंड नाउ वाली चीज खत्म हो जाएगी, जब बच्चे को ये बात समझ में आ जाएगी कॉग्निशन में, नहीं चीज सामने आंखों के ना होने से भी मौजूद रहती है, जिस तरह आप उनका कोई टॉय छुपा लेते हो, जब बच्चे उसको सर्च करना शुरू कर दें और वो ढूंढ लें, इट मींस वो हेयर एंड नाउ से निकल के ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई है उनमें, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का फेनोमेना आ जाता है। हेयर एंड नाउ की समझ आई है? हम्म,
ठीक है, अब जब थोड़ा सा बड़ा बेबी 6 to 7 months का जो क्रॉल करने लग जाते हैं उनको आइडिया हो जाता है, वो थोड़ा सा मोबाइल होते हैं, ठीक है। सेकंड है, समझ में आ रही है? ओके, जब वो थोड़ा मोबाइल होके तो फिर वो सर्च करते हैं। आपने कभी नोट किया 6-7 months के बच्चे हमेशा क्रॉल करते हैं, तो वो बेड के नीचे से, सोफे के नीचे से, कहीं ना कहीं छोटी छोटी माइक्रो माइक्रो चीजें ढूंढ ढूंढ के ले आते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उनके स्कीमेटास डेवलप हो रहे होते हैं, उसमें एड ऑन हो रही होती हैं चीजें। ओके, अब सबसे पहले जो उनकी वो हेयर एंड नाउ था, जिस तरह हम बहुत छोटे बच्चों के साथ पीकाबू खेलते हैं, आंखों के ऊपर हाथ रखने से उनको लगता है कि जी ये गायब हो गए हैं, ठीक है। वो इसीलिए इस चीज को एंजॉय करते हैं। जब उनको इस चीज समझ में आ जाती है सिर्फ आंखों पे हाथ रखने से बंदा गायब नहीं हो जाता, तो वो उस चीज की एंजॉयमेंट फिर उनके लिए खत्म हो जाती है। बिल्कुल राइट, सब कुछ टेस्ट भी करते हैं वो अपनी सेंसरी सारी जो चीजें हैं वो उनको चेक, अपने सारे सेंसेस यूज करते हैं, अपनी फुल ट्राई करते हैं, ठीक है। तो जब वो बच्चा ढूंढेगा अपना टॉय, या जिसको ये समझ में आ जाएगा कि जी बॉल छुपा दी गई है, जब आप किसी बच्चे के साथ खेल रहे हैं आप अपने पीछे उसके छुपा लें, बहुत छोटे बच्चे को तो आप कहेंगे गुम हो गई, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है गुम हो गई चला गया। लेकिन जब वो उसको ढूंढेगा, ट्राई करेगा इधर उधर कहीं ना कहीं कि आगे पीछे होगी, इट मीन्स कि उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो गई है, उसको ये बात समझ में आ गई है चीजें गायब नहीं होती, चीजें यहीं कहीं इधर उधर होती हैं। ये चीज बड़ी हेल्पफुल होती है सेपरेशन एंजाइटी में। सेपरेशन एंजाइटी कहते हैं, ये नॉर्मल है अप टू 3 years, जब बच्चे मदर से अलग होते हैं, जब उनको मदर नजर नहीं आ रही होती तो वो रोना शुरू कर देते हैं। बहुत छोटे बच्चे बहुत रोते हैं जैसे ही उनकी आंखों के सामने से मदर या केयर गिवर या वॉट एवर कोई भी आके, वो रोने लग जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तब उनको ये बात, जब तक उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है तब उनको ये बात समझ आती है मदर यहीं कहीं है, घर में है, या मेरा केयर गिवर जिसने मुझे उठाया हुआ था वो यहीं कहीं है, आगे पीछे है, ठीक है। वो इस बात को समझ जाते हैं, देन ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो गई है। इट मीन्स के वो अब जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज उनकी कंप्लीट है। अच्छा, एक और इसमें फेनोमेना जो इसी स्टेज में सेंसरी मोटर स्टेज में है, दैट इज सिंबलाइजेशन। अबाउट 18 मंथ्स में जो है वो बच्चे चीजों को कोई ना कोई सिंबल देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उनका 18 मंथ्स पे कोई ना कोई फेवरेट टॉय होता है, फेवरेट टॉय ना भी हो तो वो किसी ना किसी चीज को किसी एंगल से आपको जरूर बताते हैं, थोड़ा थोड़ा एक दो लफ्ज भी बोलने शुरू कर देते हैं अप टू 18 मंथ्स पे, तो वो उनको सिंबल्स या वर्ड्स दे रहे होते हैं। मतलब वो पानी को मम या किसी भी कार को टॉय को कुछ भी कह देते हैं, उन्होंने अपने तरीके से उसका कोई ना कोई नाम रखा होता है और वो उसको एक्सप्रेस करने की शुरू करते हैं और वो उसको सिंबल करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक के बच्चे आजकल जिस तरह स्टार्ट से ही फोन देखते हैं, ठीक है, अब उनके नजदीक हर एक रेक्टेंगुलर सी चीज जो है वो फोन होगी, वो फिर चाहे कुछ भी हो वो उन्होंने हर रेक्टेंगुलर चीज को फोन परसीव करना है और उठा के कान को लगा के हेलो भी कहते हैं। इवन आपने नोट किया, नोट करेंगे आपके आसपास कहीं बच्चों में जरूर होगा, ठीक है। ये इस तरह हेलो करने से उनका क्या था, वो जो स्कीमा उनके माइंड में एक बना हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर सी चीज है जिसको उठा के कान को लगाया जाता है और हेलो बोला जाता है, उसमें से आवाज भी आती है और उसमें से हिलता भी है, ये भी है। जस्ट लाइक स्क्रीन्स है, उनके नजदीक अब आजकल के सारी स्क्रीन्स को टच करो तो कुछ ना कुछ होगा। अब वो फोन की स्क्रीन को टच करके देखते हैं, देन वो क्या करते हैं आपके लैपटॉप की स्क्रीन को टच करके देखेंगे कि ये मूव करती है या नहीं, टीवी की स्क्रीन को, एलसीडी की स्क्रीन को, वो हर स्क्रीन को टच करके जरूर एक बार ट्राई करते हैं कि आइदर ये मूव होती है या नहीं होती है। ये उनका स्कीमा जो है वो टेस्ट कर रहे हैं अपने आप, कि हमारा जो स्कीमा था रेक्टेंगुलर चीज का फोन होने का उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। फिर वो किस तरह से मॉडिफाई होता है एनवायरनमेंट से, कि जब वो ये देखते हैं इस चीज को जो उसको सिंबलाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंबल। ये देख, ये पिक्चर नजर आ रही है आपको, दैट इज कॉल्ड सिंबलाइजेशन। उसके लिए ये लकड़ी का ब्लॉक एक फोन है, ठीक है। ओके, सेंसरी मोटर स्टेज में
चाइल्ड जस्ट बॉर्न विद नो मेमोरीज और स्कीमास, ये स्कैन करते हैं अपने वर्ल्ड को हेयर एंड नाउ के साथ, जो डेवलप होती है आगे जाके ऑब्जेक्ट परमानेंस में एंड देन सिंबलाइजेशन में. पहले चीजें सिर्फ सामने थी उनके, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आई कि चीजें यहीं कहीं होती हैं आसपास में हमारे. फिर वो उसको कोई नाम दे लेते हैं, कुछ ना कुछ उसका एक्सप्रेशन रख लेते हैं, उसको सिंबलाइज कर लेते हैं उसको. ठीक है, यहाँ पर हमारी जो स्टेज सेकेंड है, सिंबलाइजेशन तक बात क्लियर है. ओके, अब हमारे पास है नेक्स्ट प्री ऑपरेशनल स्टेज. प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 to 7 years. जिस बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगी, सिंबलाइजेशन आ जाएगी, इट मींस वो सेंसरी मोटर स्टेज कंप्लीट कर ली है उसने अपनी कॉग्निशन की, देन वो प्री ऑपरेशनल में आएगा. ऑपरेशनल क्या होता है? ऑपरेशन यही होता है ना, किसी काम को करके देखना, किसी काम को करने को हम ऑपरेशन बोलते हैं. तो ये प्री ऑपरेशनल है. प्री ऑपरेशनल मीन्स के अभी वो अपने स्कीमास जो उन्होंने माइंड में बनाए हैं, चीजों को सिंबल्स दिए हैं, वो उसको टेस्ट करेंगे. ठीक है, ये सारी स्टेज में वो कुछ नेगेटिव होते जाएंगे. जस्ट लाइक कि वो बच्चा इस चीज को टेस्ट करेगा कि हर रेक्टेंगुलर चीज को कान को लगाने से आवाज नहीं आती, हर किसी की स्क्रीन जो है वो मोबाइल की, उसके टच करने से कोई रिस्पांस नहीं आता. तो क्या होगा उसके स्कीमा में, ये चीज ऐड हो जाएगी कि नहीं, जिसकी उससे कोई आवाज आए वो फोन होता है, या जिसमें से स्क्रीन को हिले जुले वो फोन होता है. ठीक है, वो इस तरह से करते हैं. अब प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो ये सब कुछ करेंगे. चिल्ड्रन यूजेस सिंबल्स बट देर आर मैनी एरर्स इन देयर थिंकिंग. वो कंफ्यूज करते हैं पेरेंट्स एंड रियलिटी के लिए. बिल्कुल इसी तरह से कि वो एक पेंसिल के लिए अब पेंसिल और पेन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, वो उसको एक ही कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है, उनका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके बारे में. ये है इनका इको सेंट्रिज्म. इको सेंट्रिज्म इस सेकेंड स्टेज का एक नया वो पिन पॉइंट है. एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वंस पर्सपेक्टिव एंड समवनस पर्सपेक्टिव. बच्चे दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते, बहुत ईगो सेंट्रिक होते हैं. मतलब वो एक तो उनकी जिद होती है ना कि जो हमने कहा है वही सही है, वही मानना है. उनके नजदीक किसी तरह से जो इस चीज का जो यूज है बस वही है और नहीं है. ये चीज उन्होंने जो जिस तरह सिंबल बनाए, अब उनके लिए सिंबल हर रेक्टेंगुलर चीज का था. जब आप उनको ये बात समझाओगे कि नहीं ये फोन नहीं है, इस चीज को मानने से इनकार कर देंगे, क्योंकि वो अभी इतने एबल नहीं हुए कि वो आपका पर्सपेक्टिव समझ सकें. ठीक है, इसको ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं. सेंट्रेशन में ये है कि वो एक चीज के एक यूज पे फोकस करते हैं. ठीक, राइट, जिस तरह हमने बात की थी कि वो पेंसिल के साथ सिर्फ उनको पता है कि पेंसिल्स के साथ तो बस लिखा जा सकता है. ठीक है, पेंसिल के साथ आप खेल तो नहीं सकते, पेंसिल के साथ आप कुछ और नहीं कर सकते, या कलर्स जो हैं वो उसके साथ तो सिर्फ कलर्स करते हैं, उसके साथ लिख नहीं सकते कलर पेंसिल्स के साथ. ठीक है, ये उनका एक सेंट्रेशन इसको बोलते हैं. ठीक है, वो एक एस्पेक्ट पे गौर करते हैं. उनके नजदीक कलर पेंसिल्स के साथ सिर्फ ड्राइंग होनी चाहिए, उसके साथ आप कुछ भी लिख नहीं सकते. ठीक है, ये उनका टनल विजन होते हैं, वो सिर्फ एक फीचर पे गौर करते हैं. क्यों? और फिर ये चीज बेहतर किस तरह से होगी? जब वो बार बार उससे करके देखेंगे अपने उन्हीं स्कीमास को. अब उनके टेस्ट करने का टाइम है. दूसरी चीज जो इसी स्टेज में आती है वो है इमिनेंट जस्टिस. बच्चे इस सेंस में होते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं गलत करेंगे तो हमें सजा मिलेगी, और हम सही करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा और फौरन मिलेगा. ठीक है, जिस तरह वो अपना फॉर एग्जाम्पल बच्चों को लगता है कि हमने कोई अच्छा काम किया है तो हमें फौरन फौरन कुछ अच्छा मिलेगा. ये जैसे ही हमने कुछ देखा है, ठीक है, और वो उनको चाहिए तो उसको फौरी फौरी उनको लगेगा जी मैंने बड़ा प्लीज करके मांगा है तो मुझे मिलना चाहिए ये फौरन मेरा. तो
हक है, वो इतने ईगो सेंट्रिक होते हैं वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तीसरी एक और चीज जो अगली इसमें आती है फिनोमनिस्टिक कैजुअलिटी। इसमें ये है कि दो अनरिलेटेड इवेंट्स को वो बहुत को इकट्ठा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जब भी जिस तरह हमारे हैं कि मामा ने चादर ली है, इट मीन्स कि वो बाहर जा रही हैं, उनको यही ख्याल है। ठीक है, वो इस चीज को कंसीडर नहीं करते कि घर में भी ली जा सकती है। या जिस तरह बाबा बाहर से आए हैं तो मेरे लिए लाजमी कुछ आया, जो भी बाहर से बॉक्स आया है इसमें मेरा टॉय होगा। ठीक है, या फिर जिस तरह बादल आए हैं तो बारिश होगी। ठीक है, बारिश हुई है तो बिजली जरूर चमकेगी, और मैंने बदतमीजी की है तो मुझे मार भी पड़ेगी। ये दैट इज कॉल्ड फिनोमनिस्टिक। वो दो अनरिलेटेड इवेंट्स को हमेशा क्लोज ईच टुगेदर मानते हैं। ठीक है, कभी नोट किया है इस तरह बच्चों में? हमेशा बच्चे जिद करते हैं कि जी शूज पहन लिए, तैयार हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम बाहर जा रहे हैं। उनको सिर्फ इतना कहने की देर होती है कि शूज पहने, और वो फटाफट तैयार होते हैं कि जी हम तो बाहर जा रहे हैं। या गेट खुला है तो उनको पता होता है कि हम बाहर जा रहे हैं, और बाहर जाने का मतलब है कि मेरे मतलब की कोई ना कोई चीज आएगी। मतलब हम लेने ही कुछ स्नैक्स लेने जा रहे हैं, हम आइसक्रीम लेने जा रहे हैं, या हम टॉयज लेने जा रहे हैं। उनके नजदीक बाहर जाने का तो यही मतलब होता है। ठीक है। अच्छा, अगली चीज है चिल्ड्रन यूज, बिल्कुल बारिश के साथ पानी आएगा, तो एनिमिस्टिक थिंकिंग कहते हैं। एनिमिस्टिक थिंकिंग मींस कि वो अपने टॉयज को और अपने आसपास की हर चीज को लाइव समझते हैं, और उनके साथ वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे वो बड़ों को करता देखते हैं उनकी चीजों के साथ। ठीक, जिस तरह ये अपनी गाड़ियों को कभी नोट करें, या अपनी गाड़ियों को, या अपने टॉयज को, या किसी को भी, उनको सबको एक साइड पे लगा के पार्किंग में उनके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, उनके मुताबिक गाड़ियां अब सो गई हैं, ये थक गई थी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनिमिस्टिक हैंगिंग। ये जिस तरह वो प्रिटेंडेड प्ले कर रहे होते हैं, वो अगर मदर को कुकिंग करते देखते हैं तो वो उसकी तरह कुकिंग करने लगे हुए होते हैं, चीजें दो तीन अपने किसी बड़े ड्राइज में डालेंगे और उसको चम्मच से हिलाएंगे, कुछ ना कुछ अपना उन्होंने काम शुरू किया हुआ होता है। अगर अपने फादर को वो कुछ भी करते देखते हैं, वो ख्याली तौर पे गाड़ी ड्राइव करते फिर रहे होते हैं, हाथ जोर जोर से घूम रहे होते हैं, क्या हो रहा है जी मेरी गाड़ी फलां जगह जा रही है, ये जिस तरह आपस में ट्रेन ट्रेन खेल रहे होते हैं, उनके नजदीक जा रही होती है, दैट इज कॉल्ड एनिमिस्टिक थिंकिंग। उनके नजदीक सब कुछ लाइव है, इन सब चीजें भी हमारी तरह खाती हैं पीती हैं। जिस तरह अक्सर ये अपने टॉयज को पकड़ के नहला देते हैं, अपने टॉयज को खाना खिलाने की ट्राई करते हैं, ठीक है, स्पेशली स्टफ टॉयज के साथ, और स्टफ टॉयज को झूले दे दे के सुलाने की ट्राई करते हैं कि जी इसको तो बेबी को तो नींद आ गई थी, ये हो गया था। ठीक है, दैट इज ये उनकी एनिमिस्टिक थिंकिंग है। अभी उनको इतनी समझ नहीं आ रही कि ये लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है। अभी उनका जो स्कीमास बने हुए हैं कि ये चीजें इस पर्पस के लिए यूज हो रही हैं, वो उसको टेस्ट कर रहे हैं। ये टेस्ट करते जाएंगे 2 to 7 years तक। इसी स्टेज में जाते जाते उनको पता चलेगा नहीं, मेरे जो स्टफ टॉयज हैं ये तो खाते भी नहीं है, ये पीते भी नहीं है, और ये सोते भी नहीं है। ठीक है, इनके साथ तो सिर्फ खेलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक फिगर है। ठीक है, जब ये चीज समझ में आ जाएगी देन उसकी प्री ऑपरेशनल स्टेज खत्म हो जाएगी। ठीक है, सिमियोटिक फंक्शन। सिमियोटिक फंक्शन इज जस्ट लाइक एनिमिस्टिक थिंकिंग का ही अगला वो पार्ट आई है। ठीक है, जो अभी बताया आपको के एनिमिस्टिक थिंकिंग में वो सब कुछ कहते हैं। सिमियोटिक्स होता है जब डिफरेंट छोटे 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 क्लूज मिल जाते हैं, फिर वो एक परफॉर्म करना लग जाते हैं। जिस तरह वो प्ले हाउस बनाते हैं, कभी ये सारे पिलोज इकट्ठे करके प्ले हाउस बन रहा होता है, कभी कुशन इकट्ठे करके प्ले हाउस बन रहा होता है, तो ये सब इनका सिमियोटिक फंक्शन है। तो वो उनके नजदीक बिल्कुल ऐसे ही है, अगर वो टूट जाए तो ये हमारा तो घर टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, वो अभी इस चीज को नहीं समझ पा रहे होते हैं। ठीक है, इस स्टेज में ईगोसेंट्रिज्म जो है, जो हमने पहले पढ़ा था, तो ईगोसेंट्रिज्म फॉलोड बाय सेंट्रेशन। ठीक है, सेंट्रेशन वो ये है कि सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, बाकी चीजें नहीं देखते। ठीक है, अब ड्यूरिंग टेस्टिंग ऑफ स्कीमा जो है वो चाइल्ड में डेवलप होती है, सेंस ऑफ इमिनेंट जस्टिस फॉलोड बाय द फिनोमनिस्टिक कैजुअलिटी एंड एनिमिस्टिक थिंकिंग।
और टेस्टिंग इन स्कीमास की से ये इनेबल होते हैं सिमियोटिक फंक्शंस के लिए, ठीक है। एक छोटे छोटे से अपने प्ले बना लेते हैं, प्ले एरियाज बना लेते हैं जिसके मुताबिक काम करते रहते हैं, जिस तरह वो घर घर खेलते हैं, ऑफिस ऑफिस खेलते हैं, दैट इज सिमियोटिक फंक्शन। ठीक हो गया। ये एक्सट्रीम माउंटेन टास्क है, इससे पता चलता है बच्चे की प्री ऑपरेशनल स्टेज पूरी हुई है नहीं। इसमें करते यही है कि बच्चे को एक साइड पे खड़ा करते हैं, एक सामने उसको माउंटेन पे, एक पे सिलेंडर है और एक पे क्रॉस है, उसको वो नजर आता है। फिर देन उसको किसी और व्यू से वो ही चीज दिखाते हैं, जब वो दे उससे कहें पूछें कि इस पे से क्या नजर आ रहा है, तो ये इस तरह से दिखाया जाता है कि उसको एक चीज नजर आती है, तो वो उस चीज का मानने से इनकार कर देते, कहते नहीं नहीं बस इस पे अब क्रॉस, ये इस पे सिलेंडर नहीं है। इट मींस के अभी तक उसकी सेंट्रेशन वाली चीज खत्म नहीं हुई। और अगर कोई बच्चा ये समझ जाए नहीं इस क्रॉस के पीछे छुपा हुआ है सिलेंडर, देन समझ जाए कि उसकी प्री ऑपरेशनल स्टेज खत्म हो गई है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। यहां तक बात क्लियर है, प्री ऑपरेशनल तक। आगे हमारे पास स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशंस, ये है 7 to 11 इयर्स, ये ऑलमोस्ट 2 है। अब इसमें बड़े जो हमारे पास स्कीमास बने थे उसको हमने टेस्ट कर लिया था, अब उसकी वेरिफिकेशन भी कर ली, ठीक है। जब वेरीफाई कर लिया, अच्छा ये इस चीज के लिए यूज होता है, ये इस चीज के लिए यूज होता है, ये इसके लिए, पिन पॉइंट चीजें आपने डिस्क्राइब कर ली हैं कि ये सारी कैटेगरीज है स्टेशनरी की, जिसमें पेंसिल मार्कर और बुक्स और कलर्स ईच एंड एवरीथिंग, चीजों को कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है। जब वो कैटेगराइज कर लेंगे कि ये स्टेशनरी में इंक्लूडेड है, ये स्पोर्ट्स में इंक्लूडेड है, ये स्कूल की चीजें हैं, ये घर की चीजें हैं, ये किचन की चीजें हैं, जब वो चीजों को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं देन वो कंक्रीट ऑपरेशनल में आ जाते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन को ऑपरेट एंड एक्ट ऑन द कंक्रीट रियल एंड परसीवेबल वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इवेंट, ठीक है। जो उसकी इको सेंट्रिक थॉट होती है वो रिप्लेस हो जाती है बाय ऑपरेशनल थॉट से, उसको दूसरों का पर्सपेक्टिव भी समझ आने लग जाता है, ठीक है। अगर आप उसको अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे तो वो उस बात को समझ जाएंगे, अगर आप इस एज के बच्चे को दिखाएंगे कोई और चीज तो वो समझ जाएंगे। अच्छा, हमारे पास जो कंक्रीट ऑपरेशनल है इसमें चीजें आती हैं, समवन एल्स पर्सपेक्टिव जो समझ सकते हैं, एक है कन्वर्सेशन और एक है रिवर्सिबिलिटी। कन्वर्सेशन मीन्स एंड सिलोजिस्टिक रीजनिंग, अभी इसका डिटेल से आता है। कन्वर्सेशन है जी अबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ क्वांटिटी, वन ऑफ द पियाजेस मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे होते हैं, अगर उनको कोई भी बिस्किट दो करके आप तोड़ के दे दें तो उनके नजदीक ही वो दो बिस्किट होंगे, ठीक है। उनको ये समझ नहीं आएगी ये ज्यादा, वो उसको ज्यादा ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। लेकिन जब बच्चा एक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होगा तो वो ये बात समझ जाएगा कि ये एक ही बिस्किट को तोड़ के दो किया गया है, इसका मास या क्वांटिटी ज्यादा नहीं हुई, ठीक है। जब ये बात समझ आ जाए कि मास या क्वांटिटी इसकी ज्यादा नहीं हुई, अदरवाइज कि ये देखने में ज्यादा लग रहा है, देन इट इज कॉल्ड कंक्रीट ऑपरेशनल, ठीक है क्या। और ये चीज हर किसी में आती है, बाकी सब एरियाज में भी, सिप्टांस लेंथ लिक्विड एरिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल दी हुई है कुछ, जिन बच्चों में ये चीज कन्वर्सेशन मींस कि अगर एक बच्चे को दो ग्लास में पानी डाल के दिया जाए, एक ग्लास बड़ा है और एक छोटा है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे होंगे वो उसको कंसीडर करेंगे, जो बड़ा ग्लास है उसमें ज्यादा पानी है, जो छोटा ग्लास है उसमें कम पानी है। लेकिन जब वो कंक्रीट ऑपरेशनल में आ जाएंगे तब उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि दोनों ग्लासेस में पानी एक जितना ही है, सिर्फ ग्लास के डायमीटर में फर्क है। जस्ट लाइक दैट नंबर्स में भी, और जो इसमें ये दूसरी पेनीज वाली एग्जांपल दी हुई है, एक में पेनीज कम है एक रो में, लेकिन वो दूर दूर करके रखी हुई है, लेकिन वो समझते हैं कि ये इसमें ज्यादा है, जो प्री ऑपरेशनल वाले, लेकिन अगर वो इकट्ठी करके रख लेंगे तो नहीं है। तो यहाँ से जब मास सब्सटेंस की समझ आने लग जाती है देन कन्वर्सेशन का फिनोमेना आ जाता है, देन इट इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। दूसरा था हमारे पास रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी मीन्स के बच्चे को ये पता चल जाता है कि वही पानी अगर दूसरे ग्लास में ऐड कर दिया है किसी लंबे ग्लास में, तो उसको वापस एक छोटे ग्लास में भी डाला जा सकता है, उसके मास या वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रिवर्सिबल है। एक चीज की अगर कोई और फॉर्म बनाए, जिस तरह प्लेइंग डो होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल वाले बच्चे समझ जाएंगे कि हम इस डो से डिफरेंट चीजें बना सकते हैं, इसको वापस करेंगे तो ये दोबारा से वैसी हो जाएगी और इसका कुछ और नया बना लेंगे,
ठीक हो गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई रिवर्सिबिलिटी और कन्वर्सेशन की। क्लास रिवर्सिबिलिटी तक की बात समझ में आई है? ओके अच्छा, जो है सायलोजिस्टिक रीजनिंग, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में सायलोजिस्टिक रीजनिंग होती है। किस बेस रीजन आ जाती है, लॉजिक आ जाती है, ठीक है। अब इस लॉजिक की बेस पे उन्होंने जो पहले अपने स्कीमास बनाए थे 2 इयर्स तक, फिर उनको अगले 7 इयर्स तक वो टेस्ट करते रहे, उनमें मॉडिफिकेशन करते रहे, उसमें एड ऑन करते रहे चीजें, कुछ एक्सक्लूड करते रहे, ठीक है, तब तक वो उसको कैटेगराइज करने के काबिल हो गए। अब उनके पास उसमें लॉजिक है कि अच्छा ऐसे क्यों है। साइलोजिस्टिक रीजनिंग मीन्स कि वो किसी चीज को लॉजिक के साथ आते हैं। जैसे आप उनको समझाते हो, पेन से भी लिख सकते हैं, पेंसिल से भी लिख सकते हैं, हाइलाइटर से भी लिख सकते हैं, तो उनको ये रीजन समझ में आती है, ठीक है, वो लॉजिक के साथ चीजों को समझते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज है, ये 11 इयर्स टू अप टू एडोलेसेंस है, ये फॉर्मल ऑपरेशनल है। फॉर्मल ऑपरेशनल मींस फुली फंक्शनल मैच्योर कॉग्निशन है, वो हर चीज को, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लेते हैं, उनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है और रीजन डिडक्टिवली, ठीक है। एक इंडक्टिव रीजनिंग है और एक डिडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग मीन्स कि आप किसी, अभी डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी इसमें वही है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट में कि हर चीज का उनको कंसेप्ट आ जाएगा। 7 to 2 अगर आप देखें तो 11 इयर्स के बच्चे मोस्टली वही होते हैं जो अप टू 6, 7, 8 क्लास में होते हैं, और उनकी कॉग्निशन का लेवल बड़ा मैच्योर होता है, वो एक अच्छा सा मैथ साइंस और ईच एंड एवरीथिंग समझ में आती है, वो पढ़ लेते हैं उसको, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वही आपको बताया था कि एक चीज को अपने, सिर्फ उनका वो एक कंक्रीट का जो था ना कि पेंसिल का सिर्फ लिखने का यूज है, वो खत्म हो जाएगा। जब वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट में आएंगे तो वो समझ जाएंगे इस पेंसिल के साथ हम और बहुत सारे काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू अवर नीड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जब हम उसको अपनी मर्जी से मोल्ड कर लें, ठीक है। इस पिक्चर से क्लियर हो रही है अब बात, ठीक है जी। अब हमने ये बात की थी इंडक्टिव और रीजनिंग की और डिडक्टिव रीजनिंग की। फॉर एग्जाम्पल, ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेट इज अ मैन, सोक्रेट इज मॉर्टल, तो ये क्या हुआ, हमने एक एक जनरल चीज को एक स्पेसिफिक कर लिया, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग, ओके। इसी तरह बच्चे इसी चीजों को देख के समझते हैं, अच्छा जी दो फ्लाई, जो परिंदे सारे उड़ते हैं, पिजन भी परिंदा है तो पिजन भी उड़ सकता है, ठीक, वो इस तरह से चीजों पे फिर लॉजिक आती है, जो फिलोसफी आती है वो इसी से समझते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल फाइनली मैच्योर हो जाती है बाय डेवलपमेंट ऑफ, आवाज आ रही है आप लोगों को, ओके। कॉग्निशन फाइनली बिकम मैच्योर बाय डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग इसी तरह से है, जब आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, अपने साइंस के फेनोमेनाज आपको इसी बेसिस पे समझ आते हैं, आपको चीजों की लॉजिक समझ में आने लग जाती है, ठीक है, और इन्हीं लॉजिक के समझ में आने से और अपनी थिंकिंग एड करके आप एक बाकायदा अपना कंसेप्ट बना लेते हो किसी भी चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं, आप पहले पढ़ते रहे, पहले आपको शुरू में यही पता था कि जी रट्टा लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, फिर बाद में आपको समझ आ गई अच्छा ये पढ़ना है, ये छोड़ना है, ये करना है, प्रोफ के लिए ऐसे पढ़ते हैं, आपका एक बड़ा ऑर्गेनाइज से कंसेप्ट बन जाते हैं कि प्रोफ के लिए पढ़ने के लिए लाजमी है 3 महीने पहले सारे उल्टे सीधे काम छोड़ के सिर्फ किताबों पर ध्यान दिया जाए, ठीक है, वो आपका एक ऑर्गेनाइज कंसेप्ट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है फॉर्मल ऑपरेशनल तक की। और जो हमने इंडक्टिव रीजनिंग की बात की थी, इंडक्टिव रीजनिंग है जब आप किसी स्पेसिफिक चीज से जनरलाइज कंसेप्ट पे चले जाओ, ठीक है, कोई एक चीज स्पेसिफिक है, पिन पॉइंट है, ठीक है, आप उसको एक जनरल उस पे अप्लाई कर दो, ठीक है, सारे आदमी चल सकते हैं या इतना वेट उठा सकते हैं, आप उसको जनरली अप्लाई कर देते हो कि आप देखते हो कि अच्छा एक बॉय
वो एक भारी भारी चीजें उठा सकता है। आप उसको अप्लाई कर देते हो तमाम बॉयज पे कि दुनिया के तमाम आदमी बड़ी बड़ी भारी भारी चीजें उठा सकते हैं, लेकिन ये चीज आप स्पेसिफाई नहीं करते गर्ल्स पे। ठीक है, जिस तरह से एक कंसेप्ट है गर्ल्स को कुकिंग आती है, ठीक है, आप अच्छा जी फलां बहुत अच्छी कुकिंग करती है, इट मीन्स के लड़कियों को बहुत अच्छी कुकिंग आती है, आप उसको जनरल पे अप्लाई कर देते हो। That is the inductive reasoning. Deductive is के opposite है। जब आप किसी जर्नल से एक specific point of view पे आओ, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था birds का बताया था, ये जिस तरह से ये example है, ठीक है, ये सब कुछ आया था। अब हमारे पास इस यहाँ तक बात clear है, formal operational तक है, abstract बेटा ये ऑल डिपेंड्स। अभी हाँ, जो आपने ये बात बताई ना, हमने अभी कहा ना इंडक्टिव रीजनिंग, इसमें बात ही, अभी जो हम इस थ्योरी के क्रिटिक्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि लड़के ज्यादा अच्छी कुकिंग करते हैं तो इस चीज को स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए। इस थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इसमें अंडर एस्टिमेट किया गया है बच्चों की कॉग्निशन को। ठीक है, अब नो डाउट होती कॉग्निशन इसी स्टेप बाय स्टेप से है, बिल्कुल इसी तरह से आते हैं कि पहले स्कीमास बनते हैं, उनको टेस्ट किया जाता है, उनको वेरीफाई किया जाता है, देन एक फाइनल उनका प्रोडक्ट उनके पास होता है। ठीक है, फाइनल एक मेमोरी बनती है किसी चीज की, चलता इसी सीक्वेंस से है, लेकिन जो है वो उस कंसिस्टेंसी से नहीं, बच्चे से कहीं ज्यादा जल्दी सीख लेते हैं। ठीक है, वो ज्यादा इससे ज्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं। इवन कुछ स्टडीज हुई हैं जिनमें बताया गया है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस 3 मंथ्स के बच्चों में भी आ सकती है, और नंबर कन्वर्सेशन जो आपको बताया था, जिस तरह जो अभी बताया था कि एक को आप एक क्रैकर दो और एक को आप वही क्रैकर हाफ करके दे दो तो बच्चे जिद लगा लेते हैं, उसको दो दे दिए, उसको ज्यादा दे दिए, मुझे कम दे दिए। लेकिन ये इवन 4 ईयर्स के बच्चों में भी ये बात समझ में आती है, लेकिन भैया ने कहा कि ये 7 ईयर्स में ये बात समझ में आती है, तो नॉट एट ऑल। अब बच्चे ज्यादा वो समझते हैं, पियाजे की थ्योरी में बहुत अंडर एस्टिमेट किया हुआ है सोशल वर्ल्ड को, बहुत डिपेंड करता है सोशल में कैसा एनवायरनमेंट है। ठीक है, जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा उतना जल्दी सीखेंगे। जिस तरह अब बच्चे 3 साल से स्कूल चले जाते हैं, वो 3 साल के बच्चे बहुत सारी बातें समझते हैं, कन्वर्सेशन समझते हैं, रिवर्सिबिलिटी समझते हैं, पेन होल्डिंग समझते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें वो समझते हैं। ठीक है, तो स्कूलिंग और लिटरेसी का इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी को अच्छी कुकिंग का एनवायरनमेंट मिला होगा तो वो लड़का भी आप बहुत सारी लड़कियों से बहुत अच्छी कुकिंग कर लेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन कि किस तरह की आपको एनवायरनमेंट मिली है। ठीक है, जिन बच्चों को जल्दी स्कूल जाते हैं या जल्दी जिस चीज से देते हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा डे केयर जाता है, वो बहुत सारे और बच्चों को देखता है, वो उसी तरीके से ट्रीट करता है, वो जल्दी जल्दी समझ जाता है। अच्छा, छोटे बच्चों को खाना खिलाते हैं, छोटे बच्चों को ऐसे सुलाते हैं, वो बच्चे बिल्कुल उनको प्रिटेंड करते हैं, वो उस तरह का प्रिटेंड प्ले करते हैं। अदरवाइज एक बच्चा है जो अपनी माँ के साथ घर में है या माँ बिल्कुल तो वो उसको ज्यादा टाइम किचन में देखता है, तो वो बच्चे उसी तरह प्रिटेंड प्ले करते हैं, वो किचन को ज्यादा जल्दी समझ जाते हैं। अदरवाइज एक बच्चा है जो अपनी माँ के साथ ऑफिस जाता है, वो उतनी जल्दी ऑफिस वाला एनवायरनमेंट समझ जाता है। ठीक है, अपनी माँ को सारा दिन देखता है, लैपटॉप है, स्क्रीन है, ये है, इस तरह से करते हैं, वो उतनी जल्दी उन चीजों को सीख जाता है। ठीक है, वो 3 ईयर्स के बच्चे फोन ऑपरेट करना सीख जाते हैं। ठीक है, जिस तरह आजकल के बच्चे हैं वो तो 3 ईयर्स के बड़े आराम से आपको वीडियोस चला के देंगे, 4 साल के बच्चे तो आपको पूछते हैं जी कौन सी गेम डाउनलोड कर दी जाए आपको। ठीक है, तो इट्स मच डिपेंडेंट ऑन सोशल वर्ल्ड। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिक है इस थ्योरी पे। तो ठीक हो गया, चले दी एंड, कोई बात पूछनी हो, एवरीथिंग क्लियर? जी सेकंड ईयर सब कुछ खत्म है, समझ आ गई है? चले जी, ऑल द बेस्ट, इतना आज के लिए काफी है। तो हम ये करते हैं, किसी ने कुछ पूछना है? ओके,
बड़ी इंटरेस्टिंग ये थेरी है, आप लोग अपने बुक में से पढ़ेंगे, बहुत इजी लिखा हुआ है, बड़ी आसान आसान सी पिन पॉइंट चीजें हैं, बस आपने याद जो रखना है वो ये कि हर स्टेज के कौन से लैंडमार्क्स हैं, ठीक है, किस मार्क्स के आने पे पता चल जाता है कि जी जिस तरह ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई है, इट मीन्स कि प्री उसकी सेंसरी मोटर स्टेज खत्म हो गई है, उसकी ईगो सेंट्रिज्म सेंट्रेशन वाला कंसेप्ट खत्म हो गया, इट मीन्स वो प्री ऑपरेशनल से बाहर निकल आया, जब उसको चीजों को वेरीफाई कर लेता है, चीजें देख लेता है, समझ लेता है, जब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गई है, इट मीन्स कि वो कंक्रीट ऑपरेशनल से भी निकल आया, नाउ ही इज और शी इज अ मैच्योर कॉग्निटिव मैन, ठीक है क्या? ये तीन से चार बातें आपने याद रखनी है कि हर स्टेज का क्या क्या एज क्या है और उसके लैंडमार्क्स क्या क्या, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।